हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नीता मौर्य। आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूं, साथ ही माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूं। अगली प्रश्रृंखला की बात करेंगे तो वह होगी 71 से 80 तक की। तो चलिए देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन केरल हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर जो इस प्रकार से है, केरल में 4.9%, पंजाब में 13.9%, कर्नाटक में 15.6%, तमिलनाडु में 15.6% बताई गई है। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। TN मदान के अनुसार धर्म निरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है? तो देखिए, इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, धर्म से राज्य की पृथकता, राज्य के द्वारा कुछ समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, और अगला है वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता के भाव के साथ धार्मिक मान्यताओं को देखना, और अगला है सभी लोगों के लिए उनके समुदाय के निरपेक्ष न्यायपूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करना। तो इसमें भी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ये तीन ऑप्शन सही हैं और दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा दूसरा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। TN मदान ने धर्म निरपेक्षता, धार्मिक संस्थानों व धार्मिक उच्च पदाधिकारियों से सरकारी संस्थानों व राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु शासनादेशित लोगों के पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसमें राज्य की संचालन एवं नीति निर्धारण में मजहब का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए की बात TN मजुमदार महोदय ने किया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। भारत में सर्वाधिक शहरों जिन्होंने अपनी मलिन बस्ती की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताई है का प्रतिशत कितना है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 48%, 63%, 58% और 78%। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा 63%, 63% सही हो जाएगा। प्रणव सेन समिति ने मलिन बस्ती के आमतौर पर अस्वस्थकर स्थितियों में पर्याप्त स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं से रहित अधिकतर अस्थायी कमजोर और सघन रूप से बने कम से कम 20 घरों की बस्ती है। कहने का मतलब यह है कि मलिन बस्ती में वह लोग रहते हैं जहां ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है, ना स्थायी रूप से स्कूल की व्यवस्था होती है, ना तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है। ये सब कहने का मतलब है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, विस्थापन निर्धन और निर्बल को कहीं अधिक निर्धनता के खतरे में डालते हैं। विस्थापन का क्या अर्थ है? अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना विस्थापन कहलाता है। स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति अगर अपने मूल स्थान को छोड़कर जाएगा तो दूसरे जगह रहने के लिए उसे घर मकान आदि सबकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह निर्धन व निर्बल ही रहेगा। और तर्क आर है, विस्थापन के पश्चात उनका समुचित पुनर्वास नहीं किया जाता है। अगर व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर जाता है तो वह व्यवस्थित रूप से, समुचित रूप से अपना पुनर्वास यानी कि बसाव सही ढंग से नहीं कर पाता है। कुछ दिन तक उसे अस्थायी रूप से निर्धन और निर्बल ही रहना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन वन इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा सॉरी आर ए की सही व्याख्या है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रेणी वन नगरों में रह रही नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
कितना है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 65.6%, 70.2%, 60.1%, 55.5%। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 70.2%। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, किस पद्धति के अनुसार व्यवहार भी सामान्य होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, नियंत्रण सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव से, नामपत्रण सिद्धांत, विभेदक साहचर्य सिद्धांत। तो इसमें एक ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है नामपत्रण सिद्धांत। नामपत्रण सिद्धांत के अनुसार व्यवहार भी समान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। नामपत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन हॉवर्ड एस बेकर ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में बेकर ने यह समझाने का प्रयास किया कि अपराधी व्यवहार ऐसा व्यवहार है जिस पर समाज अपराध का ठप्पा लगाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बी समानता को किसने इस प्रकार परिभाषित किया है, एक या अधिक सवयवीकर्ता की ओर से ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि अंतःक्रिया प्रक्रम का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पहला है आरके मर्टन, दूसरा है सीएच कूले और तीसरा है एच मीड और लास्ट है टॉलकॉट पार्सन्स। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा टॉलकॉट पार्सन्स, इसमें सही ऑप्शन टॉलकॉट पार्सन्स हो जाएगा। बी समानता का वर्णन करते हुए टॉलकॉट पार्सन्स ने यह बतलाया है अपनी पुस्तक में कि अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में कहा है कि बी समानता की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ता या व्यक्ति अपने दबावों या संघर्षों को संस्थागत साधनों द्वारा दूर ना करके ऐसे तरीकों से दूर करने का प्रयास करता है जिसकी स्वीकृत समाज नहीं देता है, परंतु जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था में विघटन की दशा उत्पन्न होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर के मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य व्यसनी किस मार्ग का अनुसरण करता है या करते हैं? इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मकांडवाद, हताशा, पश्चिगमनता, अस्वीकारता। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिगमनता। आर के मर्टन महोदय ने मादक द्रव्य व्यसनी पश्चिगमनता मार्ग का अनुसरण करता है। मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में विचलनकारी व्यवहार के 5 स्वरूपों का वर्णन किया, जिनमें है अनुरूपता, नवाचार, संस्कारवाद और पश्चिगमनता एवं विद्रोही। पश्चिगमन विचलनकारी ना तो सांस्कृतिक लक्ष्य और ना ही संस्थागत लाघन को परिपालित करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति शराबी, जुआरी, अवारा, भिक्षुक आदि बन जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसका कथन है कि आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, जे डगलस, पी सेंसबरी, इमाइल दुर्खीम, ई मोरसेल्ला। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम का कहना है कि आत्महत्या की दर किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित होती है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या के विषय में हत्यारा समाज को माना है, व्यक्ति को नहीं। दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 रूपों की व्याख्या की है, जिनमें अहमवादी, परार्थवादी, आदर्श शून्यतावादी। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्कार है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए, वर्तमान समय में पारंपरिक भूमिका
संरचनाओं का स्थान आधुनिक भूमिका संरचनाएं ले रही हैं। तर्कार है, इन भूमिकाओं के अनुसरणकर्ता प्रायः आधुनिकता के स्थान पर परंपरा के सुनिश्चित मूल्य धारण किए रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो व्याख्यान आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। कहा जाता है ना कि जो लोग पहले आते हैं वो लोग पहले पाते हैं, जो लोग बाद में आते हैं वो बहुत ही बाद में पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।